हे गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो इस चैनल में हम लोग केमिस्ट्री एंड फार्मा रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलो फार्मा के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, नाइपर जेडब्ल्यू के बारे में। आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि था डूज एंड डोंट्स आफ्टर नाइपर जेडब्ल्यू एग्जाम। तो वो आप देख लेना, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप कभी ऐसा होप में रहता है कि नाइपर तो मिल ही जाएगा, बट थोड़ा रैंक पीछे होने से आपको नाइपर नहीं मिलता या फिर आपका मन सही सब्जेक्ट नहीं मिलता। तो उस टाइम तक काफ़ी अच्छे जितना भी कॉलेज है वो भी फिलअप हो जाता है, या फिर उनका भी काउंसलिंग वगैरह सेम आसपास टाइम रहता है तो उनका भी काउंसलिंग हो जाता है, तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। तो ये थोड़ा वो वीडियो देख लेना कि क्या करना चाहिए। तो अभी जो इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज सेफ नाइपर जेडब्ल्यू रैंक। हालांकि ये जो सेफ टर्म है ना, यहाँ पे ये सेफ टर्म डिपेंड करेगा कि आपका चॉइस कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा नाइपर आपका चॉइस है। हालांकि एक फिक्स्ड नाइपर और फिक्स सब्जेक्ट आपको चॉइस नहीं रखना चाहिए, ये इतना ज्यादा सिलेक्टिव, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं हो तो ये सिलेक्टिव डिसीजन आपका काम नहीं आ सकता है। तो देखो, एक ओवरऑल रैंक के बारे में बात कर देंगे कि ओवरऑल कितना रैंक होने से कितना क्या मिल सकता है बोल के। और ये जो भी होगा ये मेरा एक्सपीरियंस से होगा। मैं 2018 में काउंसलिंग अटेंड किया था नाइपर का खुद के लिए, और 2019 में मैं नाइपर अहमदाबाद में था, तो नाइपर अहमदाबाद कंडक्ट करा रहा था, तो हम लोग उधर ही था 3-4 दिन तक, बस इधर ही घूमता रहा। तो जो उसका उस टाइम का जो भी एक्सपीरियंस हुआ तो अभी वही शेयर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जब नाइपर का रिजल्ट आएगा ना, कल परसों तक तो शायद आ जाएगा रिजल्ट आएगा, उसमें दो चीज रहेगा। एक होगा आपका AIR ऑल इंडिया रैंक, और दूसरा होगा आपका कैटेगरी, ठीक है ना। तो ये चीजें कैसे होते हैं, सपोज आपका AIR रैंक हो गया 200 और आप SC से हो, तो यहाँ पे 05 लिखा हुआ है SC इससे हो आप, तो उसका मतलब है आपका SC का आपका रैंक है 05, ठीक है। और इस 1 से लेकर 200 तक आपके सामने और 4 लोग हैं जो कि SC से है। तो इसके बाद कैसे क्या होता है, देखो जब मेरा टाइम हुआ था, मैं तो जनरल से था, तो मेरा AIR 135 था और यहाँ पे था 108 कैटेगरी जनरल का। तो इसके 20 का जो भी डिफरेंस है ना, वो ये डिफरेंस क्यों आया, डिफरेंस आया 20 में OBC का लोग था और एक दो SC का लोग भी था, ST का था कि नहीं पता नहीं, शायद था एक दो लोग, तो इसके वजह से ये डिफरेंस आता है, ठीक है ना। अब देखो, जो जनरल का लोग होते हैं उनका डिफरेंस इतना ज्यादा होता नहीं है। सपोज आपका जनरल का 500 रैंक आया ना, तो आपका कैटेगरी वाला रैंक कितना आएगा, मैक्स टू मैक्स 400 के आसपास ही आएगा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता। हालांकि OBC लोग इसमें बहुत ज्यादा रहने के चांस है, 400 या फिर 380 भी आ सकता है, या फिर जो भी हो प्लस माइनस कुछ आएगा। तो देखो, अगर आप जनरल, सबसे पहले तो मैं जनरल के लिए बात कर लूंगा कि जनरल का कितना तक होना, मतलब एक सेफ जोन में हो बोल के। तो आप AIR का बात कर रहे हो, जनरल अगर AIR आपका 600 ना, हाँ अगर आप 500 के अंदर में हो ना, विद इन 500 हो AIR, ठीक है ना, विदिन 500 हो, तो आप थोड़ा बहुत सेफ जोन में हो ऐसा बोल सकते हैं। बट यही सेफ जोन में पहले ही बोल चुका हूँ, आपके सब्जेक्ट और नाइपर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर 500 के अंदर हो तो बहुत ज्यादा साल से पहले 2-3-4 नाइपर में आपको मिल जाए, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। हालांकि ये सब्जेक्ट बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का जो है ना वो ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है, पहले तो एनालिसिस फिलअप होता है, मतलब एनालिसिस से होगा, फिर सीटिक्स का हो जाता है, फिर कॉलोजी का हो जाएगा। तो ऐसे एक के बाद एक, मतलब लोगों को जो सब्जेक्ट पसंद है उसी हिसाब से सब्जेक्ट उठाते रहते हैं। और अगर आप जब काउंसलिंग में जाओगे ना, तब आप खुद को पता चल ही जाएगा कि जो नाइपर होता है ना, नाइपर किस तरह से लोग सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले शासनगर या फिर मोहाली वाला में लोग लेगा, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद अहमदाबाद, तो यही ट्रेंड चल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत सेंस भी हो सकता है, अगर कोई अहमदाबाद का लोकल लड़का है तो वो हमेशा अहमदाबाद ही चूज करेगा। तो इस तरह का चीजें वहां पे होता रहता है। तो आप देखो, अगर आप 500 के अंदर हो तो आप सेफ जोन में हो। आप एक दो जगह में, अगर दूसरा कॉलेज में अप्लाई किए भी हो, आप नाइपर काउंसलिंग में जाओ और वहां पे आप देखो आपको कौन सा सब्जेक्ट मिल रहा है, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर आप 600 या फिर 600 प्लस में हो, हाँ 600 प्लस AIR बोल रहा हूँ, क्योंकि कैटेगरी में कितने हो वो आपको पता करना है, क्योंकि लगभग 350 और 380 ऐसा जनरल सीटी है,
अगर आप 600 प्लस हो और आपका रैंक 300 या फिर 400 के आसपास आ रहा है तो आपको थोड़ा बहुत मिलने का चांस है, क्योंकि 600 हो बट आपका 400 जनरल रैंक है, फिर भी मिलने का चांस है, क्योंकि काफ़ी बच्चे दूसरे जगह में नाइपर करेंगे, अच्छा आने से भी दूसरे जगह में ले लेता है एडमिशन। तो ये आपको लग रहा होगा कि नाइपर भी छोड़ सकते हैं, बट हाँ नाइपर तो छोड़ता है, ऐसा कोई बड़े बात है नहीं। कुछ बच्चे होता है जो नाइपर भी इग्नोर करता है अपना हिसाब से सब्जेक्ट और कॉलेज ले लेते हैं। तो देखो अगर आप 600 प्लस में हो, आई मीन विद इन 600 तक तो आप सेफ जोन में थोड़ा बहुत हो, आप काउंसलिंग तक आ जाओ, 600 प्लस होने से भी आओ, बट 1000 प्लस हो तो काउंसलिंग में आपका आना, आफ्टर ऑल इट इज़ योर चॉइस, आप आ सकते हो, बट सब्जेक्ट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। मुझे नहीं लगता 1000 प्लस में आपको सब्जेक्ट मिल सकता है बोल के, बट ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये आपका थोड़ा बहुत कितना बच्चे उस दिन काउंसलिंग अटेंड करने जाता है, आपके सामने जो भी रैंक है वो बच्चे काउंसलिंग में जाता है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट 1000 प्लस में मिलना काफ़ी मुश्किल है। आप वहाँ पे काउंसलिंग में सपोज इंडिया का कहीं से भी आप हो सकते हो, आप काउंसलिंग में हैदराबाद तक गया, उसके बाद अगर आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो दो चीज़ हो सकता है, या तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओ कि आपको सब्जेक्ट मिला नहीं, आप दुखी हो जाओ, और दूसरा चीज़ हो सकता है आप मोटिवेट हो सकते हो कि आपको नाइपर नहीं मिला, आप लाइफ में और ज़्यादा कुछ फोड़ोगे। सामने सिर्फ नाइपर एक एग्जाम है, जस्ट नाइपर में सीट मिलने के लिए, यार नाइपर नहीं मिला तो क्या हुआ आपका, आप ऑलरेडी जीपेट क्वालिफाइड हो जिसके थ्रू आपको स्टेफन मिलने वाला है और आपने सामने जाके बहुत कुछ आगे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया जनरल के लिए, 1000 प्लस वाला अपना चॉइस है, आना है तो आओ, और काउंसलिंग में मिलने का चांस कम रहता है, और 500 के अंदर में तो मिल जाएगा, 600 तक मिल सकता है कुछ ना कुछ सब्जेक्ट, अपना चॉइस का सब्जेक्ट वो तो चॉइस के ऊपर ही है। और अब देखो कास्ट वाले कैसे डिसाइड करोगे कि आप सेफ जोन में हो कि नहीं। सपोज आप SC हो और आपको रैंक मिला है 400, ठीक है, ये AIR रैंक, AIR आपको 400 आया, और आपका जो कास्ट वाला SC का रैंक है ना वो सपोज 12 आ गया SC रैंक, ठीक है ना, 12 SC रैंक आया, इसका मतलब 11 बच्चे आपके सामने हैं जो SC से है। अब आपको क्या करना है, अब उस 11 बच्चे में से एक दो या फिर तीन चार बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि MBA में मिल जाए, हालांकि जो MS का काउंसलिंग होता है ना उसका एक दिन पहले ही MBA का हो जाता है, तो अगर वो MBA का हो गया तो आफ्टर ऑल वो MS के टाइम में वो काउंसलिंग में नहीं जाएगा। तो अगर MBA में एक दो बच्चे ले भी लिया फिर भी आपके सामने सपोज 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे आप ले सकते हो, 10 बच्चे आपके सामने हैं। अब देखो कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा मोहाली में जाना है, कौन सा नाइपर में जाना है सॉरी, तो उस वो आपको आपका ब्रोशर से डिटेल्स मिल जाएगा, पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन सा नाइपर में क्या क्या सब्जेक्ट है और उसमें कैटेगरी वाइज कितना रिजर्व है। सपोज आप नाइपर अहमदाबाद ले लिया तो वहाँ में एनालिसिस के लिए 22 सीट है, तो एनालिसिस के लिए अगर 22 सीट है तो आप अगर SC हो तो आप देखो कि आपके लिए कितना सीट है, 4 सीट है, 3 सीट है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कहाँ पे मिल सकता है, ठीक है ना। और ये बोलना काफ़ी मुश्किल है कि जो भी कैटेगरी से हो उनका रैंक कितना तक AIR होने से आ सकते हैं या फिर कितना तक मिल सकते हैं, तो ये पूरा डिपेंड करेगा आपका कैटेगरी के ऊपर। हालांकि नाइपर तो बहुत ज़्यादा लोग को बुला देते हैं, 2000 2200, आई थिंक अराउंड 2400 2500 बच्चे तक बुला देते हैं, बट इतना तक कुछ मिलता नहीं। हाँ कैटेगरी में मिलने का चांस है, SC एंड ST स्पेशली, ST और SC दोनों को बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे एब्सेंट रहते हैं, आता नहीं है बच्चे, तो और काफ़ी पीछे तक रैंक जाता है उनका कैटेगरी वाला रैंक, क्योंकि वो कैटेगरी तो फिलअप होना पड़ेगा ना। सपोज SC के लिए 70 और 50 जो भी सीट है ऑल ओवर इंडिया नाइपर में, वो 50 सीट जब तक फिलअप नहीं होगा तब तक वो जितना लास्ट तक बुलाया है ना तब तक वो लोग बुलाता रहेगा, तो आपको मिलने का चांस रहता है। अब देखो कि ये तो हो गया कास्ट के लिए, और कास्ट के लिए हर बार ऐसे ही होता है। सपोज आपका कास्ट में अब अगर आप ऑल इंडिया रैंक जितना भी हो, कास्ट का रैंक आपका 3 है, ठीक है ना, आपका रैंक 3 है और आपके सामने और दो लोग हैं और आपको नाइपर मोहाली में एनालिसिस लेना है, और सपोज मुझे मैंने देखा नहीं अभी क्या है क्या नहीं, सपोज 3 सीट है तो आपको ये कंफर्म हो कि आपको नाइपर मोहाली में एनालिसिस मिल जाएगा, क्योंकि 3 सीट रिजर्व है और आपको तीन आप थर्ड में आ रहे हो तो आपको मिल ही जाएगा, कोई रीजन नहीं है कि आपको सीट नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आप
कैलकुलेशन कर सकते हो। सपोज 2 सीट रिजर्व है और आप थर्ड में हो, तो चांस है कि आपको ना भी मिले, क्योंकि आपका सामने जो एससी का 2 लोग रहेगा उसके चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो दोनों ही एनालिसिस ले लिया तो आपको दूसरा कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर नाइपर चेंज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट तो चेंज करना मैं सजेस्ट नहीं करता, बट आप कॉलेज की खातिर अपना सब्जेक्ट चेंज मत करना, क्योंकि देखो आफ्टरऑल जब आप एमएस कर लोगे ना तो नौकरी तो लगना ही है, नौकरी लग जाएगा। नौकरी लगने के बाद आपको देखो आपको उसी फील्ड में काम करना है। सपोज कोई स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट, मैं कोई सब्जेक्ट को नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एक सब्जेक्ट हो जिसमें आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ नाइपर मिल जाए इस खातिर आपने एडमिशन ले लिया। अब 2 साल हो भी गया, आप स्टेफन ले लिया, आप 2 साल कर लिया, पार कर लिया, आपको जॉब लग गया। अब देखो पूरा करियर आपको उसी सब्जेक्ट में काम करना है, और आप वो देख सोच लो कि आप कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से नाइपर आप 1 2 3 जो भी नाइपर या फिर पीछे का नाइपर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका सब्जेक्ट, आपका चॉइस और बाकी आपका मेहनत के ऊपर। देखो और एक चीज दिखा देते हैं कि आपका चॉइस का नाइपर और चॉइस का सब्जेक्ट वो मिलने के लिए क्या क्या फैक्टर आता है, क्या क्या क्राइटेरिया चीजें है योर चॉइस सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड नाइपर। देखो मैं रफली लिख रहा हूँ चीजें को, केजुअली आपको बस समझाना है मुझे चीजें। देखो आपका चॉइस का सब्जेक्ट एंड नाइपर किस तरह से आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले जो चीजें डिपेंड करता है वो तो है आपका रैंक, सबसे ज्यादा डिपेंड यही करता है। अगर आप टॉप में आ जाओ, अच्छा रैंक आ गए, तो आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी नाइपर भी ले सकते हो, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका रैंक के ऊपर। बट रैंक के अलावा और कुछ चीजें हैं जो आपको काउंसलिंग में जब जाओगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर नाइपर का आपका सब्जेक्ट डिपेंड करता है आपको मिलना, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट मिलना। और दूसरा है आदर्श चॉइस, आदर्श चॉइस चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। देखो इसका मीनिंग क्या है, मैंने पहले भी बोला था कि सपोज आप एसटी का हो और आपका रैंक 3 है, और एसटी रैंक 3 है और आपके सामने 2 सीट बाकी है और आपके सामने 2 लोग भी है। अगर ये डिपेंड करेगा कि दोनों लोग आपका वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और किस हिसाब से कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा। देखो अगर आपका रैंक ऑल ओवर इंडिया का रैंक 30 40 इस तरह का कुछ है, 30 है, और आपको कोई मोहाली का कोई सब्जेक्ट चाहिए जिसमें सपोज 7 सीट और 5 सीट है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शायद मिल जाएगा वो सब्जेक्ट। बट ये डिपेंड कर रहा है कि आपका सामने का जो 30 लोग है ना उसमें वो लोग क्या, 29 लोग है, वो लोग क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो लोग उसी सब्जेक्ट को पहले ही ले लेते हैं तो आपका गया, तो आप दूसरा नेपर में जाना पड़ेगा, हैदराबाद में जाओ, अहमदाबाद जाओ, कहीं भी जाओ। तो डिपेंड करता है, और लास्टली डिपेंड करता है आपका लाख के ऊपर। अब बोलोगे लाख किस तरह से डिपेंड करता है, हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका रैंक हो, आपका सिलेक्शन हो, थोड़ा बहुत लाख का रूल रहता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने काफी सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है और मेरा जो लाख रिलेटेड बात रहा ना, थोड़ा बहुत लाख मैटर करता है, बहुत कम ही रहता है, सपोज 5 to 10% या फिर और कम उसका परसेंटेज रहता है, आपका मेहनत ही सब कुछ होता है, बट फिर भी एटलीस्ट 2 3% तो रहता ही है, और ये सब मुझे मानना है, आप क्या मानो। देखो लाख किस तरह से मैटर करते हैं, आप सपोज स्नाइपर में गया, काउंसलिंग में गया, और आपका रैंक थोड़ा पीछे है, और आप इस डाउट में हो कि आपके सामने वाला मिलेगा कि नहीं, वो सब्जेक्ट ले लेगा और आपको मिलेगा कि नहीं। बट ऐसा भी होता है, काफी बच्चे काउंसलिंग वहां तक मतलब जो इनसाइड नहीं जाता है, काउंसलिंग में सीट नहीं लेते हैं, वो वापस भी आ जाता है, या फिर काफी बच्चे एबसेंट भी रहते हैं। हालांकि 2018 में इतना बच्चे एबसेंट नहीं था, 2019 में बहुत ज्यादा बच्चे एबसेंट था। तो ये फुल्ली डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, अगर बच्चे एबसेंट हैं इसका मतलब आप उनको बाद में कोई सीट देने का कोई प्रोसेस नहीं है, आप अगर काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। एंड काउंसलिंग किस तरह से अटेंड करना है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या नहीं, उसके ऊपर बाद में वीडियो आएगा, और एक वीडियो आएगा कि नाइपर के अलावा बाकी अच्छे कॉलेजेस क्या क्या है इंडिया में टॉप कॉलेजेस, तो वो जल्दी आ जाएगा, मैं रिजल्ट की वेट कर रहा हूँ। और आप लोग में से जो भी मेरा हसन एकेडमी ग्रुप है वहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है ना,
वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसी चीज़। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन अच्छे से याद है तो मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं उसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ बनाने वाला हूँ, इसलिए नहीं बनाना, ठीक है? तो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक्स, एंड जो भी आपका रैंक आए डिमोटिवेट मत होना, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। और नाइपर के अलावा भी बहुत ज़्यादा चॉइस है, नाइपर बस एक कॉलेज के लिए एक एग्ज़ाम है, ठीक है ना? और इस वीडियो को शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।